गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आई न्यू ब्लॉग गाइस। आज है 30 नवंबर और यहाँ पर पूजा हो रहा है संकटा भगवती का पूजा। यहाँ देख सकते हैं सभी लेडीज ऐसे बैठ चुकी हैं और यहाँ पर मूड़ी बहुत कुछ सामान है, यहाँ पर पैसा बिंदी उन्दी ये सब रखते हैं ताकि घर में शांति बना रहे और पॉजिटिविटी आए। जेंट्स वगैरह कोई काम नहीं होता इधर, सिर्फ सामान ला के देना होता है। तो यहाँ देख सकते हो वहाँ मरी है, मम्मी है, मौसी है, बुआ, चाची, बुआ, भाभी, तो पीछे से समझ नहीं आ रहा है और वो निक्की। ओके, और ये देखिए गाइस, इतने सारे फ्लावर्स सुबह में आके कस्टमर ने ला के दे दिए हैं, तो इसको बस गाइस हम लोग घर पे सजा देंगे। अभी फिलहाल यहाँ पर हम लोग सनलाइट के सामने रख दिए और पानी वगैरह दे दिए ताकि जो फूल लेना है सब चमचमाते रहे और मस्त लगे, सुंदर काफी। तो अभी गाइस जैसे सीन है ना, मैं अभी फटाफट जा रहा हूँ नहाने के लिए, नहा के मस्त रेडी हो जाता हूँ और उसके बाद गाइस जो भी होगा घर पे मैं आप लोगों को बताऊंगा। पूजा माता जी का होता है, ये संकटा माता जी है जो संकट, हर संकट को दूर करती है, कोई भी विपदा है, इसीलिए कोई भी फंक्शन होता है घर पे तो ये माता जी का पूजा जरूर अनिवार्य है और ये सारा दुख दर्द दरिद्रता सब कुछ दूर करती है और सभी मनोकामनाओं को हमारी पूर्ण करती है। तो गाइस सभी लोगों को पूजा करने देते हैं अच्छे से और सभी लोग मिलके ध्यान दे रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, जय संकटा माता ऐसी रक्षा करे। अच्छा, यहाँ पर जितना भी लेडीज है उसके हिसाब से ये रखा हुआ है ना, फिलहाल में सबको मिलेगा। तो गाइस मैं अभी नहा के जस्ट निकला और देख सकते हैं सभी लोग अपने आंचल में मूड़ी रख चुके हैं। ये क्या हो रहा है भाभी, मामी क्या हो रहा है, ये पैर दबा रहे हैं माता जी का। गाइस ये लोग माता जी का पैर दबा रहे हैं। ए हाय, क्या हो रहा है यहाँ पर बताओ, कौन सा पूजा? नहीं पता, नहीं नहीं वो तो कल हो चुका है। हाँ सो गाइस अभी सभी लोग मिलकर हवन करेंगे। फाइनली गाइस हॉल में घड़ी लग गया है, आलोक भैया आकर लगा दिए हैं, थैंक यू सो मच आलोक भैया। गाइस बताओ कैसा लग रहा है। सो फाइनली गाइस पूजा हो गया है संकटा माता जी का और यहाँ पर जो जो फास्टिंग किए थे ना खाली पूजा तक, अब वो लोग खाना खा रहे हैं। हाँ तो मौसी खा भी चुकी है गाइस और यहाँ पर सब बैठ के खा रहे हैं और तो मैं भी गाइस खा लेता हूँ ताकि फिर बहुत सारा काम करना है मेरे को भी। फ्राइड राइस है, पूड़ी है और सब्जी है। लाओ सर बाबू, सुबह देखो सुबह खिलाएगा वो थोड़ा, तुम बोलना। हाँ बोलो, हेलो गाय, सचिन चाचू कैसे करते हैं? ऐसे करता हूँ, ऐसे करते हैं, बोलो हेलो गाइस, ऐसे बोलो हेलो गाइस, हेलो गाइस। सो गाइस पूजा हो गया है, खाना भी हो गया है, अभी हम लोग सभी लोग जा रहे हैं ब्राह्मरी मंदिर, है ना मम्मी? अभी कहाँ जा रहे हैं? ब्राह्मरी मंदिर जा रहे हैं गाइस, सब लोग देख सकते हो गाइस पीछे वहाँ पर पिंकी मौसी है, शिवम है, बुआ है और यहाँ पर मम्मी और कृष्णा और मैं गाइस यहाँ वो जा रहे हैं और तीन तीन गाड़ी जा रहे हैं, उसमें गाइस पापा फुल चला रहे हैं, वहाँ पर फूफा जी चला रहे हैं, तो अभी जा रहे हैं गाइस ब्राह्मरी मंदिर और चल के वहाँ पर दर्शन करते हैं माता जी का।
तो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं, ये गाजर डोबा का रास्ता है और इतना ब्यूटीफुल रास्ता है गाइस, इतना अच्छा सीन है नया का, आप लोग ये सिनेमेटिक एंजॉय करो। बस अब थोड़ी दूर और है और इतना गाइस काफी दूर था, मेरे ख्याल से 40 किलोमीटर अवॉक था और बस अब हम पहुंचने वाले हैं गाइस। अब देख सकते हो जंगली जंगल है और दो गाड़ी आगे है, हम अभी थोड़े से आराम से चल रहे हैं क्योंकि रास्ता भी थोड़ा खराब है और कितना जंगल है गाइस पकड़ में। सो गाइस ये मंदिर में दिव्य मंदिर है, यहाँ पर जाकर सारी मनोकामनाएं पूरी होती है, शक्ति पीठ है गाइस, मेरी मम्मी का मनोकामना पूर्ण। सो फाइनली गाइस पहुंच चुके हम लोग ब्राह्मरी मंदिर और अभी जाएंगे गाइस दर्शन करेंगे और यहाँ का आप देख सकते हो पूरा जंगलों के बीच में ये मंदिर है स्थापित है और ये है शक्ति पीठ मंदिर है। यहाँ पर क्या गिरा हुआ है बुआ? ब्राउनी का बाल नहीं पैर ना पैर का क्या गिरा हुआ है शक्ति यहाँ पर पैर और यहाँ भामरी देवी। अच्छा अच्छा, सो गाइस यहाँ पर पैर और यहाँ पर बरौनी गिरा हुआ है। हेलो गाइस, बोलो जैसे कैमरा बंद होता है वैसे ही बोलेगा। रुद्री बोलो हेलो गाइस। सो गाइस अभी फूल लेना है, फूल का टोकरी लेना है। यहाँ से गाइस मंदिर शुरू है, यहाँ से नीचे जाएंगे, चलते हैं गाइस आप लोगों को भी दर्शन कराते हैं। एक्चुअली गाइस यहाँ पर हम लोग इसलिए आए ना क्योंकि मम्मी ना मतलब मन्नत मांगी थी, मम्मी का एक मनोकामना था तो वो पूरा हुआ है। कहाँ देखो ब्राह्मणी माता की जय। फाइनली गाइस चलते हैं मंदिर के अंदर। गाइस अभी मैं आप लोगों को वहां लेके जा रहा हूं जहां पर माता जी का पैर गिरा है और बरौनी गिरा है गाइस, चलते हैं आपको उनका दर्शन कराते हैं। सो गाइस अब यहां देखो माता जी का यहां पर पैर गिरा हुआ है, हम इनका पूजा करते हैं और इनका बरौनी है। जय मां। गाइस आप लोग भी दर्शन कर लो, माता जी आप लोगों का भी सारी मनोकामनाएं पूरी करें। एक सुरंग में जा रहे हैं हम लोग अंदर, यहाँ पर क्या है? ओ जय मां। यहाँ पर एक सीक्रेट जगह है देखते हैं। अरे यार वहाँ ये बाहर निकलने का जगह है, ऊपर सीढ़ी है। माता जी का दर्शन हो गया है और आपको सबसे यूनिक एक पेड़ दिखाता हूँ जो ना दो बड़े बड़े विशाल पेड़ गाइस आपस में जुड़े हुए हैं और इतना अलग लगता है गाइस, इसी का दर्शन करने के लिए इसका हम पूजा भी करते हैं। इसका एक इतिहास तो मुझे नहीं पता, आप लोग ना ब्राह्मरी करके सर्च कर लेना गूगल पे, इसका इतिहास पता है क्या? मतलब ये पेड़ ऐसा क्यों हो गया था, ऐसा जुड़ क्यों गया था ऊपर से? अच्छा तो आपको दिखाते हैं गाइस और आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। ये देखिए गाइस ये दो पेड़ है अलग 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 रूट से हुआ है और ऊपर जाके जॉइंट हो गया है। हेलो गाइस, यहाँ पर जब पहले आए थे ना हम लोग तो यहाँ पर भी ये बन रहा था और जो मूर्ति है वो स्थापित नहीं हुआ था। अभी देखते हैं, अभी हाँ हो गया, हो गया है? और पहले भी आया था क्या? पहले भी अभी आया। ओ बंदर डर गया, डर गया, बंदर सुसु कर दिया, सुसु कर दिया। कहाँ है बंदर? मुझे तो बंदर ही नहीं दिख रहा है। ये देखो
ये देखो गाइस, ये देखो हमें क्या मिला यहाँ पर, लड्डू गोपाल, इतने बड़े लड्डू। सो फाइनली गाइस दर्शन हो चुका है, और गाइस हम लोग मम्मी ने मनोकामना मांगा था कि हम लोगों का फ्लैट जल्दी से हो जाए, ठीक है, तो गाइस वो भी हो गया। तो गाइस हम लोग यहाँ पर आए हैं इतना दूर दर्शन करने के लिए, और यहाँ का सबसे यूनिक चीज दिखाऊँ आपको, दिव्य चीज दिखाऊंगा गाइस। आप ये देखो, ये पेड़ ऊपर से जॉइंट है, ठीक है, दोनों गाइस का रूट अलग है लेकिन ऊपर जाके जॉइंट हो जा रहा है। तो गाइस ये तो एक चमत्कारी है, और यहाँ आप देख सकते हो पूरा परिवार गाइस दर्शन कर चुका है। बोलिए ब्रह्मरी माता की जय। दर्शन करके एकदम लग रहा है कि पूरा मन तृप्त हो गया है। अब चलते हैं बाहर जाके कुछ खाएंगे पियेंगे और फिर निकलेंगे घर के लिए। चल ब्रह्मरी माता की। तो क्या दर्शन, हम लोग जा रहे हैं घर की तरफ, क्योंकि ऐसा बोला जा रहा है ये पूरा जंगल एरिया है, वो है ना हाथी उती निकलने का, हाथी भी निकल सकता है, फिर तो गाइस अटक जाएंगे हम लोग, काफी रिस्की, अंधेरा भी हो जाता है ज्यादा। हाँ अंधेरा भी हो रहा है, अभी छोटा दिन है गाइस, विंटर सीजन है, कहीं व्यवस्था नहीं है। अभी निकलते हैं गाइस फटाफट, और हाथी से बचना भी है और कुछ खाना भी है। चल, और बुआ कैसा लगा आपको दर्शन करके, मीना बुआ आप बताओ। मैं तो बहुत आती हूँ, मेरा तो बहुत श्रद्धा है, ये लोग नए आए हैं इनसे पूछो, मनोकामना पूरा कर दे। अच्छा पूरा कर दे, तो अभी बुआ आप फर्स्ट टाइम आए ना, तो ये फर्स्ट टाइम आई है, इन्होंने मनोकामना मांगा है, अब देखते हैं अगर बुआ का कम्प्लीट हो जाएगा ना तो आपको दोबारा आना पड़ेगा फिर। और 3 महीने 4 महीने में निक्की की शादी तय हो गई, तो फिर निक्की फिर आएगी जोड़े के साथ। एकदम एकदम जी खुद ही बुलाती हैं। अच्छा हम लोग सोचते हैं आए तो नहीं आ पाते हैं, लेकिन कुछ होता है तो माता जी बुला लेती हैं। तो गाइस यहाँ पर ना ट्रैफिक जाम हो गया, आप देख सकते हो आगे एक ट्रक है, उसके वजह से अभी हम 3 गाड़ियाँ फंस चुके हैं, अब देखते हैं वो कब तक साइड होगा, हम लोग फिर निकले। सो गाइज रोड में ये बालू गिर गया था, इसके वजह से हम लोगों को इतना रुकना पड़ गया, वही जो लगा देती बस हो जाए झमेला, बस ये रास्ते में बालू नहीं गिरना चाहिए था, इसीलिए यहाँ पर पूरा दिक्कत हो रहा है। आदर्श पहले ये बताओ केक कैसा है? बढ़िया है। बढ़िया लग रहा है, कौन सा है बताओ? ये पाइन एप्पल नहीं है, बटर स्कॉच है, थोड़ा सा अलग सा है। अरे केक तो काटने दो पहले। बढ़िया है, हो गया। जो माँ है वही गायब है, माँ ही गायब है।